गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। पीछे हमने रजिस्टर्स के बारे में बताया था और कलर कोडिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन टू वे इन ग्रुपिंग। रजिस्टर्स दो प्रकार से ग्रुप के अंदर जुड़े होते हैं, होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैट्रिक क्लास के अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ा हुआ है, आसानी से सभी को समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होता क्या है, व्हेन देयर आर टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन विच करंट इज सेम, when potential difference is applied across which resistance will be different। इसका मतलब ये है, इस combination के अंदर दो या दो से अधिक resistance connected रहते हैं point to point, जिसके अंदर current की value same रहती है और potential difference की value across the resistance अलग अलग रहती है, ठीक है, उसको series combination कहते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने तीन रेजिस्टेंस मान लेने हैं। लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस आर वन आर टू और आर थ्री, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन थ्रू ए की के ए बैटरी बी। तीन रेजिस्टेंस हमने मान लिए, एक का नाम हमने दिया आर वन, दूसरे का नाम दिया आर टू और तीसरे का नाम दिया आर थ्री। ये सीरीज के अंदर कनेक्ट है। अब हमने इसमें बताया कि करंट सेम है, इस पॉइंट पे करंट जाएगा इस टर्मिनल के ऊपर, तो यहाँ पे आई करंट जाएगा बैटरी से, जैसे की क्लोज करेंगे तो करंट आई जाएगा, तो यहाँ पे भी आई करंट रहेगा, यहाँ पे भी आई करंट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आई करंट आएगा बाहर, तो करंट सेम है। और हमने ये बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आर वन के अक्रॉस वी वन मान ली, आर टू के अक्रॉस वी टू मान ली और आर थ्री के अक्रॉस वी थ्री मान ली। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक। अब जो चीज अलग होती है सर्किट डायग्राम में, उसी चीज को हम कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। तो इस फॉर्मूले का इस डेरिवेशन के अंदर आपको यूज करना है। अब यहाँ पे करंट सेम है, वी वन के अक्रॉस आर वन रजिस्टर्स है, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है रजिस्टांस की, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग है तो वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने कैपेसिटेंस के अंदर कैपेसिटर्स जोड़े थे सीरीज के केस के अंदर, ठीक है, तो सीरीज के केस के और पैरेलल के केस हमने करवाए थे, तो हमने ये बताया था कि रजिस्टर्स के केस और कैपेसिटेंस के केस एक दूसरे अपोजिट है, अपोजिट हैं, तो वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू जो थी वो क्या थी, यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है डिफरेंट है, वहां पे क्या थी चार्ज की वैल्यू क्या थी सेम, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी अलग, ठीक है, तो वहां पे चार्ज था, यहाँ पे क्या है करंट, तो दोनों केस। अब बात करते हैं, सबसे पहले V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, R1 के अक्रॉस हम निकालेंगे वैल्यू, तो कितनी आएगी V1, V1 का फार्मूला है I, करंट सेम है, रेजिस्टेंस आर वन है, ऐसे ही निकालेंगे सेकंड केस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर टू, तो वी टू की वैल्यू आ जाएगी आई आर टू, इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर थ्री, वी थ्री की वैल्यू आ गई आई आर थ्री, तीनों इक्वेशन को हमने ऐड करनी है, तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक, तो I R1 प्लस I
आर टू प्लस आई आर थ्री वी, तो आई कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया आर वन प्लस आर टू प्लस में आर थ्री। ओम्स ला दोबारा से लगाएंगे तो आई आर एस लेंगे, आर एस यहाँ पे क्या है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, आई से आई कैंसिल, आर एस की वैल्यू आ गई आर वन आर टू और आर थ्री। सीरीज केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे होती है, और कैपेसिटेंस की क्या आती है, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। ठीक, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, पोटेंशियल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये रिजल्ट की स्टेटमेंट है। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, सेकंड केस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखो क्या चीज सेम रहेगी और क्या चीज डिफरेंट रहेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वही हमें तीन रेजिस्टेंस लेने हैं। तो व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन विच करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, अब की बार करंट अलग रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो लेट अस कंसिडर थ्री रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री, दे आर कनेक्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखो एक आर वन आर टू और आर थ्री, हमने तीन रेजिस्टेंस ले लिए, इन तीनों का एक एंड वन टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है, इन तीनों का एक टर्मिनल्स दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट है दूसरे टर्मिनल के साथ। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस दिखा सकते हो, बैटरी दिखा सकते हो। तो यहां से हमने आई करंट दिया, तो ये करंट यहां पे आई करंट जाएगा, तो ये इस टर्मिनल के अंदर भी जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा। तो ये हमने मान लिया आई वन और ये मान लिया आई टू और ये मान लिया आई थ्री। अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस सभी का क्या रहेगा, सेम तीनों के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये करंट जाएगा यहाँ पे आई वन ही रहेगा, यहाँ पे आई टू बार और यहाँ आई थ्री, और टोटल करंट कितना आ जाएगा, आई करंट। अब करंट की वैल्यू अलग अलग है, ओम्स लॉ का यूज करके अब की बार क्या करना है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, वी अपॉन में आर, ये फॉर्मूला में यूज करना है। तो करंट की वैल्यू निकालेंगे अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर वन, तो यहां से द करंट अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर वन, तो आई वन की वैल्यू करंट, तो वी अपॉन में क्या हो जाएगा, आर वन, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आई टू की वैल्यू कितनी आएगी, वी अपॉन में आर टू, करंट अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर टू आपको ऐसे लिखना है। ऐसे ही आई थ्री कितनी आ जाएगी, वी अपॉन में आर थ्री। तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड। तो टोटल करंट कितना आएगा, आई वन आई टू आई थ्री, तो यहां से वी अपॉन आर वन वी अपॉन आर टू वी अपॉन आर थ्री और टोटल करंट आई। आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, दोबारा से ओम्स लॉ से वी अपॉन आर, वी अपॉन में आर पी, पैरेलल के लिए हमने आर पी की वैल्यू ले ली, आर वन आर टू और वी अपॉन में आर थ्री। ठीक है, वी कॉमन आ रहा है, वन अपॉन आर वन अपॉन आर टू और वन अपॉन में आर थ्री और वी अपॉन में आर पी, वी से वी कैंसिल, तो रिजल्ट अपना क्या आया, वन अपॉन में आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री।
ठीक है, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर? द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो रेसिप्रोकल के अंदर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो किसके बराबर है? सभी रेसिप्रोकल के सम के रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, तो यह है ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टर्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।